Hello dear students, let us explain one more example of our application of law of conservation of momentum. इसमें हम स्टडी करेंगे एक्सप्लोजन ऑफ बम के बारे में और साथ साथ में हम पढ़ेंगे इसमें इस वीडियो मैसेज में कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं और लैमिज थ्योरम हम पढ़ेंगे. ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे और यहाँ पर पहले हम करेंगे एक्सप्लेन एक और एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जब एक्सप्लोजन ऑफ बम. देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बम. सपोज द बम इज एट रेस्ट. दिस इज ए बम, बम एट रेस्ट. एक बम हम लेते हैं जो एट रेस्ट पे है. इट इज मोमेंटम विल बी जीरो. वो जब एक बम रेस्ट पे है इसका मोमेंटम जीरो है. लेट द बम एक्सप्लोड. अब ये बम एक्सप्लोड हो जाता है इंटू फाइव पीसेज m1 of mass, m1, m2, m3, m4, m5. इसके पांच टुकड़े हो जाते हैं बम के जब ये बम एक्सप्लोड हो जाता है. वो बम इज एट रेस्ट. वी हैव कंसिडर्ड ए बम, इट इज़ एट रेस्ट एंड इट इज़ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये जीरो है. और इट व्हेन द बम एक्सप्लोड्स इनटू फाइव फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m1, m2, m3, m4, m5 विद वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 एंड v5. ये हम लेते हैं. चलो हम मानते हैं कि इनका मास m1, m2, m3, m4, m5 है और इनका रेस्पेक्टिव वेलोसिटी जो है दैट इज v1, v2, v3, v4 एंड v5, जैसे मैंने आपको बोला है. सो देन देयर रेस्पेक्टिव जो मोमेंटा जो है लीनियर मोमेंटा है दैट विल बी गिवन एज p1 इज इक्वल टू m1 v1 फॉर फर्स्ट फ्रेगमेंट, p2 इज इक्वल टू m2 v2 फॉर सेकंड फ्रेगमेंट एंड फॉर थर्ड फ्रेगमेंट इट विल बी p3 इज इक्वल टू m3 v3 and for fourth fragment it will be m4 p4 is equal to m4 v4 linear momentum and for fifth piece the linear momentum will be p5 is equal to m5 v5. so we have considered these. जब एक bomb explode होता है तो ये five fragments इसके बन जाते हैं, five fragments हो जाते हैं, explode हो जाता है with masses m1, masses and velocity with m1 v1, m2 v2, m3 v3, m4 v4 and m5 v5, and when we will take their linear momentum that will be for first it will be given by p1 is called m1 v1 for first fragment, for second fragment it will be given by p2 is called m2 v2 and for third fragment it will be given as p3 is called m3 v3 and for fourth fragment it will be given as m4 is called p4 is called m4 v4 and for fifth fragment it will be given as the linear momentum will be given represented as p5 is equal to m5 v5. So since no external force has acted on the system, kyunki is koi external force system par act nahi hua hai, wo since koi bhi force jo hai system par act nahi hua hai, koi force act nahi ho raha hai, therefore the momentum after explosion is equal to momentum before explosion. So when since no external force has acted on this system, go therefore the momentum after collision, after explosion is equal to momentum before explosion. So since no external force has acted on this system, therefore the momentum after explosion of the bomb is equal to the momentum before explosion of the bomb. Go that is the momentum is represented by p1 plus p2 plus p3 plus p4 plus p5. That is equal to zero because momentum before collision is zero. That हमने already explain किया है ऊपर कि momentum क्योंकि bomb rest पे है इसका जो linear momentum है वो zero है और जब ये फिर explode हो जाता है so कोई external force act नहीं करता है system पर. इसका मतलब है कि जो total momentum after collision explosion वो बराबर होता है total momentum before explosion. So that means टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन वो हमें मिल गया p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन दैट इज जीरो. इफ द बम एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस, अगर ये बम जो है इंस्टेड ऑफ फाइव फ्रेगमेंट्स अगर इसको दो हिस्से हो जाते हैं, बराबर फ्रेगमेंट हो जाते हैं दो हिस्से, देन द ईच फ्रेगमेंट विल मूव विद इक्वल स्पीड इन अपोज डायरेक्शन. वो अगर ये बम के इंस्टेड ऑफ फाइव फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, जब ये एक्सप्लोड हो जाता है तो फाइव पीसेस हो जाते हैं. मगर अगर ये बम एक्सप्लोड हो जाता है इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस, देन द फ्रेगमेंट्स विल मूव विद इक्वल स्पीड्स
इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो और वो दो फ्रेगमेंट जब इसके हो जाएंगे इक्वल फ्रेगमेंट जो हो जाएंगे वो मूव करेंगे विद विद इक्वल स्पीड्स एंड विद इक्वल डायरेक्शन। ये हमने एक्सप्लेन किया, ये जो एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें हमने पढ़ा एक्सप्लोजन ऑफ द बम क्या होता है। इससे पहले भी हमने एक दो एक्सप्लेनेशन किया है कि रिकॉयल ऑफ द गन जो होता है, और रॉकेट्स और जो जेट जेट फ्लाइट्स है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। सो ये तीसरा एग्जांपल है और इलस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन है ऑन लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लेट अस टेक अनदर सब टॉपिक हम ले लेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, द फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेज। जब जो फोर्स एक जगह पर एक्ट करते हैं, एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेज, कॉन्करेंट फोर्सेज। सो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज हम ये दूसरा सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। द फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, वो जो कॉन्करेंट फोर्सेज है, दीज आर द फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेज। Concurrent forces are said to be in equilibrium when there is no change in the state of rest or of uniform motion of the body on which the force acts. वो concurrent forces equilibrium में होते हैं। हम कहते हैं कि concurrent forces equilibrium में होते हैं जब कोई भी change in the state of rest or uniform motion of the body में नहीं आएगा जिस पर ये forces act करते हैं। वो concurrent forces are said to be in equilibrium when there is no change in the state of rest or of uniform motion of a body on which the forces act. So concurrent forces are the forces which are acting at a point are called concurrent forces, and concurrent forces are said to be equilibrium if when there is no change in the state or rest state of rest or of uniform motion of a body on which the forces act. वो जिस बॉडी पर ये या जिस पॉइंट पर या जिस बॉडी पर ये कॉन्करेंट फोर्स एक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं तब जब वो उस बॉडी में कोई चेंज ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं लाएंगे। व्हेन द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम देन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग शैल बी इक्वल टू जीरो। वो जब भी एक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, वो जब कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं एक बॉडी पर, जब ये कॉन्करेंट फोर्स इक्विलिब्रियम होते हैं, तब जो वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस, वो जो भी फोर्सेस बॉडी पर एक्ट करते हैं, द वेक्टर देयर वेक्टर सम शैल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मानते हैं, चलो इफ एफ वन और एफ टू दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ और नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस, वो एफ वन एंड एफ टू आर इक्विलिब्रियम इफ एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर अगर हमने दो फोर्सेस कंसिडर किए हैं, एफ वन और एफ टू एक्टिंग एट पॉइंट ओ, दे आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेज। एफ वन एंड एफ टू आर इन इक्विलिब्रियम, वो एफ वन और एफ टू इक्विलिब्रियम में होंगे, बट दैट मीन्स दे विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। दैट इज एफ वन एंड एफ टू आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल जीरो और एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, ये लिख सकते हैं। दैट इज टू फोर्सेज ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। वो जो जब दो फोर्सेज एक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, वो हम बोल सकते हैं वो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, जब उनका और दे आर इन इक्विलिब्रियम इफ एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल जीरो और एफ वन इज इक्वल माइनस एफ टू। दैट इज द फोर्सेस, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, तभी हम कह सकते हैं कि जो दो फोर्सेज हैं वो कॉन्करेंट हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं। इसी तरह अगर हम तीन फोर्सेज कंसिडर करेंगे, consider three concurrent forces F1, F2, F3 acting at point O. If the rigid body is in equilibrium, if the rigid body equilibrium hai, then the result of F1 and F2 should be equal to magnitude of F3. Agar ye humne consider kar diye teen forces, wo yahan par do forces consider kiye the, F1 plus F2 is equal to 0 aur F1 is equal to minus F2. To jab teen forces hum consider karenge, F1, F2 and F3 acting on a rigid body, if the rigid body is said to be in equilibrium, agar rigid body equilibrium hai, then the resultant of F1 and F2, your resultant of force F1 and force F2 should be equal in magnitude of F3 and opposite in direction. That means F3 jo hai, F3 is equal to minus times F1 plus F2. So then the resultant of F1 and F2 should be equal in magnitude of F3, but
opposite in direction. But opposite in direction, that means F3 is equal to minus times F1 plus F2. Or इनको इधर ले लेंगे हम, तो यहाँ पर बनेगा F1 plus F2 plus F3 is equal to zero. वो तब ये rigid body जिस पर act करते हैं concurrent forces, वो equilibrium में है. अब हम पढ़ेंगे Lami's theory. एक छोटी theorem है Lami's theorem. Lami's theorem. ये Lami's theorem क्या state करती है? If three concurrent forces acting on a body are in equilibrium. अगर तीन forces हैं acting on a body, वो equilibrium है. Then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. So बच्चों, Lami's theorem क्या state करती है? If three concurrent forces acting on a body are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. To the sine of the angle between the other two forces. अगर मानो हम let F1, F2, F3 be three concurrent forces in equilibrium. Then according to Lami's theorem, F1 by sine alpha is equal to F2 by sine beta is equal to F3 by sine gamma. So bacho, you will understand it. मैं दोबारा explain करूँगा कि Lami's theorem क्या कहती है कि if three concurrent forces acting on a body or in equilibrium. अगर तीन forces F1, F2, F3, they are acting on the body and are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. That means, अगर हमने माना चलो, let F1, F2 and F3 be the three concurrent forces in equilibrium, then according to the Lami's theorem, we can write F1 by sine alpha, F1 by sine alpha plus F2 by sine beta is equal to F2 by sine beta is equal to F3 by sine gamma. Go, each force is proportional to the sine of the angle between the other two angles. If अगर हम F1 करते हैं तो यहाँ पर एंगल आता है अल्फा, वो बनेगा F1 by sine alpha. वो ये बनेगा फिर F2, और इस इनके दरमियान जो एंगल है बीटा, वो F2 by sine beta is equal to ये फोर्स F3 है, और ये जो एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस है गामा, वो F3 by sine gamma. वो दैट इज F1 by sine alpha is equal to F2 by sine beta is equal to F3 by sine gamma, where alpha, beta, gamma, where alpha is the angle between F2 and F3, alpha is the angle between force F2 and F3, beta is the angle between F force F1 and F3, and gamma is the angle between force F1 and F2. So this is the Lami's theorem. If the three concurrent forces acting on a body are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. That means F1 by sine alpha is equal to F2 by sine beta is equal to F3 by sine gamma, where alpha, beta, gamma are the forces or the angle between the other two forces. Alpha is the angle between force F2 and F3. Beta is the force between beta is the angle between the force F1 and F3. And gamma is the force angle between the force F1 and F2. So, bacho, I hope you will understand it better way. When you repeat the videos, you will be able to understand in a very better way. This I have taken from the additional material I explained to you. I hope when you will repeat the videos one and two times, you will be able to understand in a very better way. Thank you very much. We will continue the videos. I hope you will understand it in a very better way. Thank you very much.